प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। आत्मा के फलों के बारे में हम देखते हैं गलातियों के पत्र 5:22-23 आयतों में आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ है। प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास योग्यता है, और आज के दिन हम देखने जा रहा है नम्रता। हम सबके जीवन में प्रभु ये चाहता है। यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों के पत्र 2:5 में लिखा है, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर परमेश्वर की समानता में होने को अपने वश की बात ना समझते हुए अपने आप को शून्य किया, खाली किया, ऐसा नम्र बन गया यीशु मसीह। और वहां पे भी लिखा है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आपका भी स्वभाव हो। ये लिखने के बाद यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, शून्य किया। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह दास के समान काम किया। वो मालिक है, सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर है, फिर भी वो अपने चेलों का पैर को धोकर यीशु मसीह दास बन गया, दास के समान बन गया। यीशु मसीह नम्रता। मूसा के बारे में परमेश्वर ने इसे गवाही दिया, पृथ्वी पर मूसा के समान एक नम्र व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में इस प्रकार बोला, धन्य है जो मन के दीन है, वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। तो बाइबल में कई सारे जगह में ये वचन लिखा है, हमें नम्र होना जरूरी है। याकूब के पत्र में भी लिखा है, नम्र लोगों को परमेश्वर और अनुग्रह देता है, घमंडियों से परमेश्वर विरोध करता है। नम्र लोगों को परमेश्वर और अनुग्रह देता है। नम्र होने का मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु मेरे ताकत से, मेरे शक्ति से, मेरे बुद्धि से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए, मुझे आपकी अभिषेक चाहिए, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, बस प्रभु मुझे आपकी सहारा चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, आपकी अनुग्रह चाहिए, आपकी सामर्थ चाहिए। यही था मूसा। मूसा के जीवन में वो संपूर्ण मन से वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, इसलिए मूसा को परमेश्वर ने इसे गवाही दिया था। यीशु मसीह सबसे बड़ा नमूना है। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के जीवन को देखो, यीशु मसीह बहुत नम्र था। प्रभु के लोगों, हम घमंडी नहीं होना चाहिए, घमंडियों से परमेश्वर विरोध करता है, नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है, नम्र लोगों से प्रभु प्रेम करता है, नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे, परमेश्वर आपको, आपके पीढ़ियों को आशीष देंगे। इसलिए हम प्रभु के लोग, आत्मा का फल जो नम्रता है, हम्बलनेस हमारे जीवन में दिखने पाए, हम नम्र बने, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।